नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं पढ़ पाए। पांचवा तक स्कूल था, पूरा नाम लोग बच्चा में। राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर अक्सर निशाने पर रही है। गोपालगंज में अपने मायके सेलार कला पहुंची राबड़ी ने पहली बार अपनी पढ़ाई लिखाई पर बात की और बताया कि वो सिर्फ पांचवी तक ही क्यों पढ़ पाई। दरअसल 13 साल बाद राबड़ी देवी अपने मायके सेलार कला पहुंची थी। उनके साथ लालू प्रसाद यादव और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं। इस दौरान राबड़ी को पुरानी यादें उनके स्कूल तक खींच ले गईं। जिस स्कूल में राबड़ी देवी ने बचपन की पढ़ाई लिखाई की, उसी स्कूल में राबड़ी पहुंची और छात्राओं से बातचीत करते हुए शिक्षिका की भूमिका में नजर आईं। बच्चों से मिली, उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। इस दौरान राबड़ी काफी भावुक दिखी और अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए उन्होंने बताया कि जब हमारा बचपन था तब गांव में स्कूल पांचवी कक्षा तक ही था। बेटियों को लोग स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। राबड़ी देवी ने कहा कि मेरी पढ़ाई पांचवी तक ही हुई, आगे की कक्षा के स्कूल गाँव में नहीं थे। आज अच्छा लग रहा है, गाँव के स्कूल है, हम नहीं पढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। पांचवा तक स्कूल था, पुराना हम लोग के बच्चा में छात्राओं ने कुछ समस्याएं भी बताई। छात्राओं ने आगे दूर दूर पहले लोग लड़की के लिए छात्राओं ने कुछ समस्याएं भी बताई विद्यालय के। हाँ बताई है, टीचर के लिए बताई है, उर्दू टीचर नहीं है, संस्कृत टीचर नहीं है, इस सब पहली बार शिक्षिका की भूमिका में भी नजर आई है। जी पहली बार आए हैं। राबड़ी देवी ने आगे कहा कि छात्राओं ने उर्दू और संस्कृत विषय के शिक्षकों की डिमांड की है, इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाएगा। साथ ही दो अतिरिक्त कमरे और कंप्यूटर क्लास भी बनवाया जाएगा। फिलहाल राबड़ी को देख छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने उनका खूब जमकर स्वागत किया।